हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर, और वो है कि हमें कर्ड या फिर और किसी भी तरह के खट्टे सब्सटेंस को ब्रास और कॉपर के वेसल में क्यों नहीं रखना चाहिए। ब्रास को हम हिंदी में कहते हैं पीतल और कॉपर है तांबा, ठीक है। तो इन वेसल्स में हमें खट्टे सब्सटेंसेस को क्यों नहीं रखना है, तो चलिए देखते हैं। देखो, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब जितने भी सोर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है किसी ना किसी तरह का एसिड। फॉर एग्जांपल, कर्ड में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। अब ये एसिड क्या करेगा, मेटल के साथ यानी ब्रास और कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से हार्मफुल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होगा जिन्हें हम कंज्यूम नहीं कर सकते, और उल्टा जो मेटल है वो भी कोरोड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस तो लिब्रेट होती ही है, तो इसी की वजह से ये जो हार्मफुल सॉल्ट्स बनते हैं जिन्हें हम कंज्यूम नहीं कर सकते, इन्हीं की वजह से कहा जाता है कि हमें किसी भी तरह के खट्टे सब्सटेंस को ब्रास या फिर कॉपर के वेसल में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। क्लियर? सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।